हेलो एवरीवन, वैकेंसी गेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, जिसमें टोटल 52 पोस्ट है, वेरियस पोस्ट है। इसमें इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो सब आप जान सके। अब इसका डिटेल्स क्या है वो देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हुई है 5 अप्रैल 2023 को। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हुआ है 5 अप्रैल 2023 से और अप्लाई करने का लास्ट डेट है 4 मई 2023। करेक्शन डेट है 5 से 7 मई 2023। इसमें जनरल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी लगेगा 1000 रुपीज। रिजर्व कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी है 500 रुपीज। PHC कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा। एप्लीकेशन फी ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा। अब इसमें एज लिमिट क्या है वो देख लेते हैं। ओपन मेरिट और इन सर्विस कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट है 40 इयर्स। SC ST EWS कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट है 43 इयर्स। PHC कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट है 42 इयर्स। एज रिलैक्सेशन भी एप्लीकेबल है एज पर रूल्स। इसमें जो भी कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट की है या PhD की है और नेट क्वालिफाइड है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें पोस्ट डिटेल्स देख लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में 46 पोस्ट है। लाइब्रेरियन में 3 पोस्ट है। PTI यानी कि फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर में 3 पोस्ट है। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अब वो देख लेते हैं। ये जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज की गई है 5 अप्रैल 2023 को, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और PTI का पोस्ट है। इसमें पूरे डिटेल में बता दिए गए हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। अब इसमें वैकेंसी डिटेल्स देख लेते हैं। सब्जेक्ट वाइज अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में टोटल 6 पोस्ट है। मैथमेटिक्स में 1 पोस्ट है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 2 पोस्ट है। बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में 2 पोस्ट है। फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 2 पोस्ट है। सिविल इंजीनियरिंग में 8 पोस्ट है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 3 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 2 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस एंड IT में 2 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 4 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 पोस्ट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 9 पोस्ट है। लाइब्रेरियन में 3 पोस्ट है टोटल। PTI यानी कि फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर में 3 पोस्ट है। तो टोटल 52 पोस्ट है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर को सैलरी मिलेगा लेवल 10 का। लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए सैलरी है 15,600 रुपीज। PTI में सैलरी है 15,600 रुपीज। इसमें जो भी कैंडिडेट मास्टर डिग्री की है, 55% मार्क्स है और वो नेट क्वालिफाइड है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट मास्टर डिग्री की है और 55% मार्क्स है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नेट क्वालिफाइड होना जरूरी है। PTI पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट मास्टर डिग्री की है 55% मार्क्स के साथ फिजिकल एजुकेशन और मास्टर डिग्री की है स्पोर्ट्स साइंस में, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो या इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो वो जल्द से जल्द अप्लाई करना। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें पूरे डिटेल में बता दिए गए हैं। स्कोर कैसे सिलेक्ट होगा वो सारे बता दिए गए हैं। तो आप एक बार इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना। अप्लाई करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट विशेष।